अंधेरा अंधेरा सा हो रखा है, तो ये वेलकम टू ठंड, वेलकम टू विंटर्स इन कनाडा। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग सब? देखिए सुबह के कितने बज रहे होंगे, आप गेस करिए। अगर आप वीडियो पॉज करके कमेंट करिए कितना बज रहे होंगे सुबह के। वैसे अभी सुबह के 7 बज रहे हैं, देखिए पीछे रोड लाइट अभी तक जल रही है, अंधेरा अंधेरा सा हो रखा है, तो ये वेलकम टू ठंड, वेलकम टू विंटर्स इन कनाडा। तो आज है वीकेंड, सैटरडे मॉर्निंग, अभी 7 बज रहे हैं। अभी तक अगर वीकडेज होता है तो शिखर को मैंने उठा दिया होता, तो मैंने सोचा चलो कोई नहीं, आधे घंटे बाद उठेगा और मैं बाहर आके ये गर्मा गर्म पानी पी रही हूँ, क्योंकि सुबह सुबह बाहर का नेचुरल हवा, आज थोड़ी हवा की आवाज़ आ रही होगी आपको, बहुत अच्छी हवा, भीनी भीनी सी हवा चल रही है। मुझे ना सुबह सुबह बाहर आके ऐसे बैठना बड़ा अच्छा लगता है, यहाँ पर ना ऐसा मतलब मौसम से ऐसा लगता है बातें कर रहे हैं हम, इतना अच्छा लगता है। हालांकि मैंने शॉल ले रखा है, लेकिन ठंड इतनी ज़्यादा नहीं है, बिना शॉल के भी रह सकते हैं, लेकिन शॉल लेने से हल्का हल्का अच्छा कोजी लग रहा है। सुबह सुबह ना इतनी शांति में ऐसे लगता है ना कि ये थेरेपी हो रही है, यहाँ पे आप शांति में बैठ के ध्यान कर सकते हैं, और इतना अच्छा मौसम हो रखा है, ना ज़्यादा ठंड है ना ज़्यादा गर्मी है, शांति से बैठ के बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आती हैं, बातें आती हैं, ऐसा लगता है कि ये किया जाए वो किया जाए, कैसा रहा कल का दिन, क्या से आज का दिन में क्या क्या करना है, ये सब चीज़ें सोचती रहती हूँ बैठ के, बहुत अच्छा लगता है। यहाँ मैं ऐसे घंटों बैठ सकती हूँ। लेकिन आपको पता है वीकेंड है, तो बैठने से तो काम चलेगा नहीं, काम का भरमार पड़ा है। कल मैं जो वॉलमार्ट से सब्जियां लेके आई थी उसको रखना है, काटना है, धोना है, सब कुछ करना है, तो बहुत सारा काम है, और ये नाम के लिए वीकेंड है। चलते हैं, दिन की शुरुआत भी करते हैं और काम की भी। शिखू उठ जा बच्चा, शिखरिंग बाबू, ए बाबू उठ जा शिखर, शिखू
चीकू ये शिखर को नाश्ता करा दिए मैंने दूध और सूजी और अब मेरी बारी है तो मैं आज सिंपल सा नाश्ता बनाऊंगी क्योंकि वीकेंड है इसलिए नहाना धोना होगा शाम को। फटाफट नाश्ता करते हैं और एक यहाँ पास में ही इंडियन स्टोर है तो और नया खुला है और सबसे अच्छी बात है कि वॉकिंग डिस्टेंस पर वहाँ चलेंगे। इधर पोहा धो लिया है मैंने और इधर थोड़े से ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट नहीं है, मुझे बिल्कुल ही हल्का खाना चाहती हूँ तो पैन गर्म हो रहा है। लेकर आई थी इसको इस पानी में थोड़ी देर डुबा के रखेंगे वो तो पूरी तरह से साफ हो जाएगा। इससे इसमें मैंने ऐड किया है थोड़ा सा विनेगर और नमक सॉल्ट और इसमें करीबन 15 से 20 मिनट या हाफ एन आवर भी आप छोड़ सकते हैं तो इससे पूरी क्लीन हो जाते हैं वेजीज। और ये चीज़ मैंने कोविड में स्टार्ट करी थी, इसे अभी तक कंटिन्यू कर रही हूँ क्योंकि बहुत ही क्लीन फ्रेश वेजीज़ हो जाती हैं और गिल्ट फ्री आप इसको आराम से कभी भी हल्का सा पानी से धोएं एक बार यूज़ कर लें। जो एक्स्ट्रा टमाटर आप खरीद के लाते हैं स्टोरेज के लिए तो उसको मैंने ऐसे स्टोर किया है जैसे टिश्यू का अंदर से एक लेयर बिछा दी टिश्यू के ऊपर से टमाटर धो के साफ सुथरा सुखा के कपड़े से अच्छे से पोंछ के रखा है ताकि इसमें कोई भी फंगस ना लगे और ये ऐसे आप एक महीने तक स्टोर कर सकते हैं। मैंने किया हुआ है ट्राइड एंड टेस्टेड इसीलिए बता रही हूँ। तो एक महीने तक स्टोर करिए और इसको कोई प्योरी बना कर रखने की ज़रूरत नहीं है, आराम से ये टिकेंगे। मैं आपसे भी बोल रही थी कि इंडियन स्टोर जाना है, नया खुला है, लगता है मुश्किल ही है। बारिश बारिश हो रही है। भाग रही हूँ अंदर रिकॉर्ड करने में, मैं तो भीग जाऊंगी। अब चलते हैं अंदर और देखते हैं कब जाएंगे इंडियन स्टोर।